नमस्कार, उत्तर प्रदेश मौसम की ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मौसम फिर से बदलेगा, फिर से घेर काले बादल छा जाएंगे और फिर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। अगले 48 घंटे में मौसम विभाग का कहना है कि सोनभद्र के रास्ते अधिकांश जिलों में खतरनाक चक्रवाती तूफान प्रवेश कर चुका है और मानसून भी एक्टिव हो चुका है। आपको बता दें, कानपुर, लखनऊ समेत करीब 15 जिलों में भयंकर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने बताई है। अलीगढ़ में भी भयंकर बारिश हुई है और उसकी वजह से सड़कें लबालब हो गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे के अंदर और आज देर रात तक जिन 15 जिलों में भयंकर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने बताई है, साथ में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इनमें मुख्यतः दो जिले सम्मिलित हैं, उनमें सीतापुर, बहराइच, गोंडा और लखीमपुर खीरी। ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर पहले भी बाढ़ का कहर बरस रहा है, यहाँ पर अभी भी बाढ़ से लोग परेशान हैं। गोरखपुर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, महाराजगंज, सतकबीर नगर, लखनऊ, कानपुर नगर, सिद्धार्थ नगर, कानपुर देहात में बारिश की संभावना आज देर रात तक मौसम विभाग ने बताई है। कुछ अन्य जिले भी हैं जहां पर मौसम विभाग ने इसकी स्पीड को लेकर बेहद चिंताजनक स्थिति बताई है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में भयंकर बारिश का दौर फिर से शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। करीब अगले 48 घंटे में 30 से 35 जिलों में भयंकर बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वांचल से बारिश का दौर शुरू होगा और बारिश होते होते ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका कहर बरसेगा। मौसम विभाग का कहना है कि हर ताज़ा अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। जानेंगे मौसम विभाग ने जो ताज़ा रिपोर्ट दी है और कुछ क्षेत्र में येलो अलर्ट जारी किया, भारी बारिश का साइन दर्शाया, कहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश इस समय होने की संभावना बनी हुई है। आप उत्तर प्रदेश के जिस भी जिले से हैं और यदि आपके यहाँ पर गहरे काले बादल फिर से पहुँच चुके हैं या फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है तो कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि उत्तर प्रदेश के अन्य जिले के लोगों को भी आपके कमेंट के माध्यम से भी ताज़ा अपडेट मिलता रहे। हम आपको पूर्व में ही सूचित कर देते हैं, इस समय 48 घंटे के लिए भयंकर बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में जारी कर दी है और करीब 6 जिले जो कि नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बाढ़ से त्राहिमाम मचा रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह उनकी सहायता में लगा हुआ है। मौसम विभाग का कहना है तो आपको चलिए वो जिलों से हम आपको अवगत करा देते हैं। अगले 48 घंटे में ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर और फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, प्रयागराज और यहाँ पर हम बात करेंगे सीतापुर, हरदोई, बाराबांकी और यानी कि पूर्वांचल के साथ साथ धीरे धीरे ये स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगी, इन जिलों में घेरे काले बादल छाने। यह आपके सामने इंडिया मेट्रोल डिपार्टमेंट भारत मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट है जो कि 20 सितंबर की है। भारी बारिश का साइन गर्जना के साथ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ये अपना उत्तर प्रदेश और आप देख सकते हैं इस समय जो खतरनाक चक्रवाती तूफान केवल यहाँ तक सीमित था और धीरे धीरे इसका असर यहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है। पूर्वांचल में भारी बारिश का दौर जारी होगा अगले 24 घंटे में। वहीं अगर बात करें पश्चिमी यूपी में तो गर्जना के साथ कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। अब आप देखना चाहोगे जो खतरनाक चक्रवाती तूफान उड़ीसा से उड़ा था उसने कितना क्षेत्र है जो वर्तमान में कवर कर लिया है। इस क्षेत्र के भारत में फिर से गहरे काले बादल छा चुके हैं और अगले 24 घंटे में भारी बारिश का कहर जारी रहेगा। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट से बताते हैं तो यहाँ पर भी येलो अलर्ट और भारी बारिश का साइन पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा कहर बरसेगा। स्थिति यदि हम मैप के माध्यम से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के ये जो जिले हैं इन जिलों में तो मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिलेगा। ये जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का कहर बना हुआ है। इस क्षेत्र में जिस जो जिले आ रहे हैं आप देख सकते हैं। इसी के साथ जो स्थिति आपको नजर आएगी यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी का कहर देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी बनी रहेगी और इसके बाद भारी बारिश का कहर की बात करते हैं तो फिर इस क्षेत्र में फिर से भारी बारिश आपको अगले 48 घंटे में देखने को मिलेगी। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश की मौसम विभाग ने बताई है जिससे हमने आपको अवगत करा दिया। बने रहिए 24 न्यूज़ के साथ, हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे।